ठंडी के दिन हो और बहुत ही चटपटा स्नैक्स और गर्मा गर्म मिल जाए तो कुछ बात ही अलग। आज बिल्कुल मकैन जैसे कि मार्केट से हम पैकेट वाले स्नैक्स लाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से मकैन बर्गर टिक्की हम बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें वेज टिक्की भी बोल सकते हैं। इसके लिए हमने लिया यहाँ पर 4 से 5 बॉयल किए हुए आलू। आलू को अच्छी तरह से हमें ग्रेट कर देना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निधि और निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे सारे आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न। जितनी भी सब्जियां हो वो सब आप इसमें डाल दें। 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पर ये फ्रोजन मटर लिए हैं, अभी तो फ्रेश आ रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं बॉयल करके। चॉप किया हुआ 1 कैरेट और चॉप किया हुआ 1 कैप्सिकम लिया है। स्वाद बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून या टेबलस्पून आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल दें। मिक्स हर्ब्स लेना है यहाँ पर 1 टेबलस्पून हमें यहाँ पे। आप इंडियन मसाले भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून सुपर गरम मसाला, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। आप यहाँ पर सब्जियाँ अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ब्रेड क्रम डाल देंगे 5 टेबलस्पून इसमें। घर में ब्रेड को सिंपल सा मिक्सी में चला लें और हमारा ब्रेड क्रम बनकर तैयार हो जाएगा। ब्रेड क्रम डालने से क्या होता है कि ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। तो ये देखिए डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसमें हमने ना ही चावल का आटा डाला है, ना ही मैदा, ना ही कॉर्नफ्लावर। अब इसके ऊपर कोटिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप के लगभग कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर और मैदा आप दोनों ही ले सकते हैं आधा आधा करके। मैंने सिर्फ कॉर्नफ्लावर लिया है। आप यहाँ पर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक। सभी को मिक्स करना है और एक पानी डालकर हम इसका एक स्लरी बनाकर तैयार करेंगे, घोल बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि इसमें हमारे जो हमने टिक्कियाँ बनानी है ना उसमें एक कोटिंग आएगी जो कि क्रिस्पी कुरकुरी बनेगी। तो इस तरह से आप क्या करें, ये हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम भी तैयार कर लिया है, हमारी टिक्कियाँ भी तैयार होने वाली हैं क्योंकि जो भी उसका मिश्रण है ना वो हमने सब तैयार कर लिया है। इस तरह से अब आप टिक्कियाँ बना लें, गोल, चपटी, हार्ट शेप, स्क्वायर शेप, जैसी चाहे वैसी आप बना लें। इस तरह से बनाकर रख लें। और अब हमें क्या करना है, जो हमने स्लरी बनाकर तैयार की है ना घोल, उस घोल में हमें इन्हें डिप करना है। इसके बाद हम इसमें जो ब्रेड क्रम बनाकर तैयार किए हैं उसमें कोट कर देना है। इस तरह से सारी टिक्कियों को हमें बनाकर एक प्लेट में रखते जाना है और जब इन्हें हमें सर्व करना हो ना तो बस अब हम इन्हें फ्राई कर देंगे। अगर आप इन्हें स्टोर करके रखने वाले हो तो आप ये सारा प्रोसेस करके सिंपल से इन्हें फ्रीजर में रख दें और आप इन्हें फिर कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रोजन करके किसी भी एयरटाइट पन्नी में रख दें या डिब्बे में रख दें और इन्हें फ्रीजर में ही रहने दें। जब आपको बनाना हो तो जैसे हम मकैन से पैकेट निकाल के और निकाल के उन्हें फ्राई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। तो अभी तो फिलहाल हमारी बन गई है बहुत ही यम्मी क्रिस्पी वेज बर्गर टिक्की की पूरी तैयारी। अब तेल को हमने कर लिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से गर्म। गर्मा गर्म तेल में हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो पहले तेल को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लें। इसके बाद आप इसका गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम पर इन सारी टिक्कियों को हम डाल देंगे। डालते ही इन्हें जल्दी से ना चलाएं, नहीं तो फिर टूट भी सकती है। वैसे टूटेंगी नहीं, लेकिन जब ये एक तरफ से गोल्डन हो जाए ना तभी हम इन्हें टर्न करेंगे। तो ये देखिए एक तरफ से ये काफ़ी क्रिस्पी सी हो गई है ना। जो हमने ये ब्रेड क्रम डाला है ना इससे बहुत ही कुरकुरी, खस्ता और बहुत ही यमी ये बनेंगी। तो आप ब्रेड क्रम जरूर डालें। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमने इन्हें पलट पलट कर सेक लेना है। गोल्डन एंड क्रिस्पी होने तक फ्राई करें और किसी भी सॉस या चटनी के साथ आप सर्व करेंगे ना तो आपसे लोग ये बार बार मांगेंगे, चाहे आप इन्हें कितने भी बार बनाएं। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार हो गई हैं। इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। सारी टिक्कियों को निकाल कर हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही यम्मी हमारी वेज क्रिस्पी बर्गर टिक्की बनकर तैयार है। इन्हें कटलेट भी कह सकते हैं। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।